बच्चियाँ दोस्तों कैसे हैं, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल लाइव फार्मिंग में। तो आज हम बात करेंगे देसी मुर्गी पालन में, यानी कि 1000 मुर्गी पालने में कितनी लागत, कितनी कमाई और कितना मुनाफा होगा। इस टॉपिक पे सबसे मेन टॉपिक है, लोग बहुत सर्च करते हैं इस टॉपिक पे वीडियोस कि 1000 मुर्गी पालन में कितनी कमाई है, कितनी लागत है, कितना खर्चा है और कितना एरिया चाहिए पालने में। तो आप जैसे कि ये मुर्गी हमारी देख सकते हैं किस कंडीशन की मुर्गी है, एकदम बिल्कुल फुल एडल्ट मुर्गी, यानी कि अंडे देने के लिए सब तैयार मुर्गी हैं। तो इस टॉपिक पे हम वीडियो बताएंगे, वीडियो थोड़ा लंबी होगी और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो आप लोग पूरी देखेगा ताकि आप लोग हम ये समझा पाएँ कि किस तरीके से 1000 मुर्गी पालन में कितना खर्च आएगा, कितना लागत लगेगी, कितने क्या क्या लगेगा। तो इसके लिए वीडियो आप लोग देखते रहे, जब तक के लिए हम मुर्गी उड़ा देते हैं। तो ये देखिए, ये लोग आवाज़ करने लगते हैं, कुछ छेड़खानी अगर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ब्रीड का सिलेक्शन, जैसे 1000 मुर्गी पालना चाह रहे हैं आप देसी, तो सबसे पहले आप ब्रीड का सिलेक्शन करिए। ब्रीड में सबसे मेन मैटर होता है कि ब्रीड जैसे आप पाल रहे हैं तो ब्रीड में आप डबल एफजी मत पालिए, क्योंकि वो क्रायलर होता है, आप वो दूसरे सिस्टम का उसका फार्मिंग होता है। आप क्रायलर भी पाल सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप प्योर देसी मुर्गी ही पालिए। जैसे कि ये सोनाली ब्रीड वगैरह हैं, आप इनको पालिए। जैसे इनका बच्चा आप पाल रहे हैं तो भाई 1000 बच्चे की कीमत 30 से 50 रुपये के बीच में होती है, अच्छी होती है इसकी मार्केट की कीमत। जब इनको आप तैयार करेंगे 70 दिन, इनको खिलाई पिलाई का हम पूरा सेटअप बताएंगे किस तरीके से आप इनको कम लागत में खिला के अपने आप तैयार कर सकते हैं, उसका हम आपको सेटअप बताएंगे। जैसे कि इनको 80 दिन खिलाना है, तो सबसे पहले आप जब इनका पहला दिन हो, ठीक, जब इनका पहला दिन हो तो इन्हें आप प्री स्टार्टर फीड, और प्री स्टार्टर जैसे भी आप ठंडियों में पाल रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें, आपको एक बात ध्यान देनी है कि फार्म के अंदर का यानी कि ब्रूडिंग एरिया बिल्कुल साफ़ हो, सुथरा हो, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया मारने वाली दवाएं आती वो पड़ी हो, चूना पड़ा हो, ब्लीचिंग पाउडर डाले हो, ये सारी चीज़ें आप डाल के रखिए उसमें। और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं जो बच्चा होगा उसमें आपको टेम्परेचर मेंटेनेंस, यानी कि टेम्परेचर 30 डिग्री तक बनाए रखना है, 30 टेम्परेचर आपको बनाना ही है। जब आप 30 बनाए रखेंगे तब बच्चों में मोर्टेलिटी नहीं होगी, ठीक। और उसमें दाना, फीडिंग का सिस्टम, फीडिंग सिस्टम जो है प्री स्टार्टर, यानी कि आपको पहले दिन प्री स्टार्टर, यानी कि आपको पहला उसका खुराक जो है आप उसमें गुड़ का पानी दे सकते हैं। जैसे बच्चा तुरंत आया, मैं तुरंत की बात बता देता हूँ, पहले आने लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे बच्चा आपके यहाँ तुरंत आया तो आप उसको बॉक्स से खोल के तुरंत पानी मत दीजिए, दाना मत दीजिए, आप उसको सबसे पहले गुड़ का पानी पिलाइए। 3-4 घंटे वो गुड़ के पानी जब पी लेंगे, फ्रिश हो जाएंगे, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, दौड़ने लगेंगे, फिर उनको आप लगाइए प्री स्टार्टर फीड, यानी कि देसी मुर्गियों को आप उस टाइम दीजिए प्री स्टार्टर फीड। जब वो प्री स्टार्टर फीड खाना शुरू कर दें तो वो प्री स्टार्टर फीड उनको 15 दिन पूर्ण तरीके, यानी पूरी तरीके से 15 दिन प्री स्टार्टर फीड खिलाइए। फिर उसके बाद उनमें शुरू कर दीजिए स्टार्टर फीड, 15 दिन के बाद स्टार्टर फीड खरीद शुरू कर दीजिए। जब ये 30 दिन के हो जाएंगे तो फिर इनमें स्टार्ट करेंगे हम फीडिंग, यानी कि पैसे बचाने का सिस्टम। पूरा पैसे बचाने का सिस्टम ये होगा कि जैसे सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास अजोला घास, देसी मुर्गी पालन करने में, बत्तख पालन करने में आप करना चाह रहे हैं, मतलब बैकयार्ड या फ्री होल्ड खुले में देसी मुर्गी पालन, कम लागत में देसी मुर्गी पालन लोग सर्च करते हैं, तो आप लोग सबसे पहले 2.5 फीट के गड्ढे कर लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, पानी भर के उसमें अजोला घास डाल लीजिए, और इस तरीके के 4-5 आप गड्ढे करके डाल लीजिए अजोला घास। आपको डेली 30 से 40 किलो 50 किलो अजोला घास मिलती रहेगी। और उसके बाद नंबर आता है बरसीन, बरसीन तो भाई मेरे ख्याल से हर कोई जानता ही होगा, यदि नहीं जानता भाई तो वो सर्च कर सकता है गूगल पे बरसीन क्या होती है। आप एक बिस्से में या एक कट्ठे में, एक एकड़ में जो भी बोला जाता है आपके यहाँ, आप उतने में बरसीन बो सकते हैं। 1000 मुर्गी पालने के लिए आप उतने में बरसीन बो दीजिए, और हमारे ख्याल से बरसीन भी 20 से 30 किलो डेली आपको मिलेगी उसमें से। तो आपका ये फीड हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन जो है फीड का। जैसे और फिर उसके बाद बता, जैसे ये देखिए आप दिखा दो इधर नीचे फीडर, जैसे ये फीडर लगा हुआ है, इस तरीके का आपको फीडर लगा के रखना है उसमें। तो फार्म के अंदर दाना सिर्फ फार्म के अंदर देना है, और जो ये बरसीन, अजोला और भी जो चीज़ें बता रहे हैं उनको आपको, वो सारी चीज़ें आपको बाहर देनी है। बाहर मतलब फार्म के अंदर, शेड के अंदर नहीं देनी, जब ये बाहर निकलेंगे तब इनको देनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जब ये मान लीजिए 50 दिन के हो जाएंगे, 30 दिन हो गए स्टार्टर चलते हुए, तो स्टार्टर फीड जो है इनकी चलती रहेगी और ये सारी चीज़ें फीड, ठीक। उसके बाद आता है नंबर होटल वेस्टेज का, होटल वेस्टेज का मतलब है कि आपके नज़दीक में जो भी
खाने का होटल हो, वहाँ पे जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे खाना बन रहा है, खाना लोग खा रहे हैं, तो वहाँ पे खाना बचता ज़रूर होगा। जब खाना बच रहा हो तो आप डेली उन उस भोजन को उठा के लाइए अपने यहाँ फार्म पे और इनको दे दीजिए, जितना भी हो 10 किलो 5 किलो जो भी हो पूरा इनको दे दीजिए। उससे आपका फीड कॉस्ट बहुत ही लो हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये हो गया, इसके बाद आता है जैसे कि आप जानते हैं मछली की बाजार होती है, मछली होती है तो वहाँ पर मछली का वेस्टेज निकलता है, आप उसे उठा लाइए, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा आपको, आप उसको भी ले आइए और ले आके अपने आम मुर्गियों को दीजिए, उसको खिलाइए। तो जब ये मुर्गी आपकी तैयार होगी, एक बच्चा 30 से 50 रुपए का हुआ, और जब ये मुर्गी आपकी एक तैयार हुई बहुत मैक्सिमम इसकी लागत आई 150 रुपये, 100 रुपये का आप इनको फीड खिला दीजिए, और बाकी सारा साना दाना जो मैंने सस्ता बताया 70 दिन में आपके 80 दिन में ये आपकी मुर्गियाँ तैयार हो गई, और आप इन्हें एक मुर्गे को आप 500 से 600 रुपए के बीच में बेच लीजिए, तो आपको बहुत ही अधिक मुनाफा होने वाला 2000 बच्चे में। यदि आप 30% मुर्गा 40% मुर्गा आप 500-600 के रेंज में बेच लेते हैं तो 6 यानी कि 2 लाख रुपए का तो आप सिर्फ मुर्गा ही बेच लेंगे। और जो आपके पास 400 से 500 से 600 मुर्गियाँ बची, वो मुर्गियाँ भी आपको, चाहे आप अंडे लीजिए उनसे, आप अंडे के लिए रोक सकते हैं, या अंडे नहीं लेना चाहते हैं तो आप उनसे जो है उनको भी मार्केट में बेच दीजिए, 200 से 240-250 रुपए केजी उनको आप मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं, 1 से 1.25 केजी की मुर्गी, और इस रेट में आप बेचते हैं तो आपको बहुत ही अधिक मुनाफा होगा। आप खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि कितना वाकई में कम मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके की होती है फार्मिंग। एक भाई कोई भी होगा, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आप अभी देसी मुर्गा लाना चाहिए, प्योर देसी, जो प्योर देसी वाकई में अपने आप को लगे कि वाकई में ये प्योर देसी है, आप मेरा मुर्गा देखिए ये आवाज़ करते हैं इस तरीके प्योर देसी होता है, तो आप इनको खरीदिए। कहीं भी आपको मार्केट में 500 से 600 के नीचे मिलेगा ही नहीं, जब मार्केट में आप खरीद सकते हैं इतने का तो फिर आपका माल दूसरा क्यों नहीं खरीदेगा, तो आसानी से माल आपका बिक जाएगा। तो इस तरीके का है ये फार्मिंग का सेटअप, अच्छा कमाई का बहुत बढ़िया जरिया है, आप कमाई बहुत अच्छी तरीके से इसमें कर सकते हैं। और ये जो आप मुर्गियां देख रहे हैं हमारे पास, इनके चूजे प्योर देसी के चूजे हमारे पास अवेलेबल हैं, देखिए फाइट, तो इनके चूजे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इनके चूजे हमारे पास परमानेंट अवेलेबल होते हैं। आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारा पता है विलेज एंड पोस्ट बरखुरदारपुर डिस्ट्रिक्ट रायबरेली उत्तर प्रदेश, और हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारे नंबर है भाई, लोग पूछा करते हैं नंबर दो, भाई मैं आपसे बोलना चाहता हूँ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैं कमेंट में भी अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, हमारे फार्म पे विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं और आके हमारे पास से मुर्गियाँ बच्चे सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। हमारे पास बत्तखों की मुर्गियों की सारी चीज़ें, वैक्सीन, दवाएँ, सारी चीज़ें मिलेंगी, जिस किसी भाई को लेना है हमसे संपर्क कर सकता है, बिना टेंशन के हमसे आके ले जा सकता है। और तो भाई आपके लिए हमने वीडियो बनाई, बहुत सारी जानकारी दी, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट करना कि जानकारी कैसी लगी, ताकि हमें अब और मोटिवेट मिलता है कि आगे वीडियो ऐसी बनाते रहें, ताकि आप लोग को मोटिवेट करते रहें फार्मिंग के लिए, आप लोग भी फार्मिंग करते रहिए और अच्छी से अच्छी कमाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।